अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। कभी कभार हमारे इर्द गिर्द ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि हमारी हिम्मत टूटने लगती है। ऐसा लगता है कि जितनी भी मेहनत की जाए इस बैटल के लिए आगे बढ़ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा एस्टिमेट या नंबर आपके सामने आ जाता है, एक ऐसी तल हकीकत आपके सामने आती है कि उसको फेस करने के लिए आपको दोबारा तमाम तर अपनी कुव्वतों को इकट्ठा करना पड़ता है। हम जानते हैं कि साल 2020 कोविड-19 की नज़र रहा। हम रोज़ाना इनके नंबर्स को देखते रहे, ये देखते रहे कि कितने लोग सेहतियाब हो गए हैं, कितने बेड्स मौजूद हैं, क्या हमारे पास सहूलतें और वसाइल हैं। लेकिन इस सारे इशू में हमें वो प्रॉब्लम्स, वो चैलेंजेस, वो बैटल्स नहीं भूल जानी हैं जो हमारे सामने शायद आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ी हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे पोलियो की, जिसमें एक दफा फिर हम देखते हैं npolio.com.tk के मुताबिक साल 2020 में भी तकरीबन 57 केसेस पोलियो के पाकिस्तान में सामने आ चुके हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द 3 or 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे अभी भी पोलियो की कंप्लीट इराडिकेशन मुमकिन नहीं हो पाई है। इसके लिए बहुत सारे प्लान, स्ट्रेटजीज हम बनाते रहते हैं और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला इसलिए हो गया है क्योंकि एक रेजिस्टेंस नजर आती है। सेफ्टी ऑफ द पोलियो वर्कर्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज वेल। आज हम देखते हैं कि फ्रॉम द हाइस्ट लेवल, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑल द वे डाउन टू सेलिब्रिटीज, ग्रास रूट लेवल पीपल, इवन वो बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली खुद पोलियो का शिकार हुए, आज वो अपने आप को पोलियो के खिलाफ इस जंग में एक बहुत ही कलीदी हैसियत के तौर पे देखते हैं। वो खुद घर घर जाके लोगों को अपनी दास्तान से ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, ये सबक देने की कोशिश करते हैं कि ये दो कतरे वाकई एक खानदान की, एक इंडिविजुअल की जिंदगियों में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है, उसको आने वाले इस बहुत ही मुश्किल वक्त से, इस मुश्किल फ्यूचर से बचा सकती है। तो अगर आपके घर में भी कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा है और आपके घर में कोई पोलियो टीम पहुंचे तो यकीनन आपने उसको पोलियो के कतरे पिलाने हैं। इसके अलावा अगर टीम्स आप तक नहीं पहुंचती तो बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उनको कॉल करके ये पूछ सकते हैं आप तक क्यों नहीं पहुंची, या फिर करीबी अस्पताल में भी ले जा सकते हैं। वील टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम कर रहे हैं कोविड-19 के तनाजुर में पूरी दुनिया में अगर एक ग्लोबल एम है ऑफ इराडिकेशन ऑफ पोलियो, उसमें हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान की इसमें क्या पेशरफ्त रही है, खसूसी तौर पे जब हम कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, लोगों की आमदोरफ्त, उनकी मूवमेंट में मुश्किलात हुई, तो क्या इसकी वजह से पोलियो कैंपेन पे भी असर पड़ा, और फिर सबसे बढ़कर ये कि क्या किसी नई किस्म की हेजिटेंस हमारे सामने आई, या ट्रेडिशनली जो कम्यूनिटीज हेजिटेट करती हैं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से, वहीं से रवायती अंदाज में हमने देखा कि अपोजिशन को फेस करना पड़ा। फिर अहम बात यह भी है कि अगर हुकूमत की ओवरऑल स्ट्रैटेजी को देखा जाए, हमारे पास महदूद वसायल हैं, इन वसायल से पोलियो टीम्स को तश्कील दिया जाता है, उनके पास जो वैक्सीन है उसको यकीनी बनाया जाता है, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाता है, लेकिन क्या वी आर डूइंग इनफ कि हम लोगों की सोच में, उनके रवैयों में तब्दीली ला सकें। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद शफी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद फॉर बीइंग हियर। खालिद साहब, सबसे पहले सवाल यही करना चाहूंगी कि 2019 से लेकर 2020 तक सोच में कोई तब्दीली आई है? जी, सोच में कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं आई है, लेकिन ये जो पोलियो की कंपेन, अब ये तीसरी कंपेन चल रही है 2020 में कोविड के प्रॉब्लम के बाद, जी देखा ये क्या है कि लोगों की सोच कुछ बेहतर जरूर हुई है पहले से, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे हैं। अगर जो कि इनके तादाद बहुत कम है, लेकिन बहरहाल यही लोग हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क मुश्किलात का शिकार है। ये जो मौजूदा मुहिम चल रही है एक बहुत बड़ी मुहिम है 2020 की, 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पाकिस्तान भर में पिलाए जा रहे हैं 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक। कुछ इलाकों में 5 रोजा मुहिम है, कुछ इलाकों में 7 रोजा मुहिम है। अब अभी तक जो 2-3 दिन अभी मुहिम का तीसरा दिन है, तो कुछ 1000 पेरेंट्स हैं जो कराची में पोलियो में कतरे पिलाने को मना कर रहे हैं। कराची में 22 लाख बच्चे हैं,
तो इनमें से 21 लाख से ज्यादा लोग तो अपने पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कतरे पिला देंगे, कुछ हजार लोग छोड़ देंगे। ये जो कुछ हजार लोग हैं इनकी वजह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि पोलियो का वायरस जिन बच्चों में मौजूद होता है वो उनके मोशंस में, स्टूल्स में निकलता है बाहर, सीवेज के वाटर में जाता है, इसके बाद वो हमारे जो पानी का इतना सफाई सफाई का इंतजाम नहीं है वो साफ पानी में मिलता है, दूसरे बच्चों में जाता है, तो ये एक सर्कुलेशन रहती है। पोलियो उस वक्त खत्म होगा जब हम पोलियो के वायरस की सर्कुलेशन को रोकेंगे। सही। अच्छा, और आपने जैसे कहा कि चंद हजार लोग अगर हेजिटेट करते हैं, अगर मैं इसको मजीद अनपैक करना चाहूँ, क्या वजह है इसकी, वो वजूहात क्या देते हैं, क्या जो पोलियो टीम हुकूमत की तरफ से पहुंचती है उस पर एतबार नहीं है, वैक्सीन पे एतबार नहीं है, मिसकंसेप्शन या मिथ क्या है इसके बारे में? ये जो आपने बातें बताई ये सारी की सारी मौजूद है। अगरचे के बहुत सारी चीजें पहले थी कि ये खानदानी मनसूबा बंदी होती है, मिथ तो खैर शायद बहुत कम हो गया क्योंकि जब पोलियो की कैंपेन शुरू हुई थी आबादी पाकिस्तान की डबल हो गई है उसके बाद से। इसके बाद ये था कि हलाल है या हराम वैक्सीन है, इसके बाद भी उलमा कराम मैदान में आ गए हैं, सारे उलमा कराम का मुत्तफिका ये उनका फतवा है कि ये हलाल वैक्सीन है, तो इस बात में भी अब कोई वो नहीं रहा है। दो तरह के लोग हैं जो पोलियो की वैक्सीन के बारे में ये कहते हैं कि एक तो वो लोग हैं जो रूटीन इम्यूनाइजेशन अपने बच्चों को कराते हैं। मैं जरा क्लियर कर दूं यहाँ पे, जो पढ़े लिखे लोग हैं ये भी प्रॉब्लम कर रहे हैं और वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं वो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ये करते हैं कि जो अपने बच्चों को हिफाजती टीकों का इंतजाम है उसमें वैक्सीन लगवा लेते हैं, उसके लगाने से ये होता है कि वो चार डोजेज पोलियो की इस वैक्सीन में होती है, पोलियो के ड्रॉप्स और एक पोलियो का इंजेक्शन होता है। पाकिस्तान में जो इस तरह की सूरत हाल है ये चार डोजेज काफी नहीं है, हमारे बच्चों को इससे ज्यादा डोजेज की जरूरत है, ये हमारे वालदेन को समझना चाहिए। तो इसलिए पोलियो की जब भी मुहिम चलेगी आप अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएंगे, 14, 15, 16, 17, 18 दफा जब आप पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो इससे बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप होगी। व्हाट इज द यंगेस्ट एज, जब हम कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, तो ये जो फर्स्ट डोज होती है वो किस एज में दी जाती है? पैदाइश के दिन से पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, पहली डोज। इसमें दो चीजें हैं, जरा मैं क्लियर कर दूं। एक है रूटीन इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन जो पाकिस्तान में हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है जिसको ईपीआई कहते हैं, पैदाइश पे बच्चे को पोलियो के कतरे और बीसीजी का टीका लगाया जाता है, इसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे दीगर टीके, निमोनिया के टीके, हेपेटाइटिस के टीके, पोलियो के ड्रॉप्स लगाए जाते हैं, रोटा वायरस की वैक्सीन, 9 महीने पे खसरे का इंजेक्शन लगाया जाता है और पाकिस्तान में टाइफाइड का टीका भी लगाया जा रहा है, अब 15 महीने पे मीजल्स का टीका दोबारा लगाया जाता है। ये तो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। अगर हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन स्ट्रांग होती तो पाकिस्तान चंद साल में ही पोलियो का खात्मा कर देता। लेकिन रूटीन इम्यूनाइजेशन के स्ट्रांग ना होने की वजह यह है कि एक तो आबादी बहुत बड़ी है, वसाइल कम है और तमाम बच्चे इस प्रोसीजर से नहीं गुजर पाते जिनकी पैदाइश होती है। नहीं नहीं, ये वजह नहीं है, हरगिज ये वजह नहीं है। आबादी बड़ी जरूर है, वसाइल इस चीज के लिए हुकूमत ने मुख्तस किए हुए हैं, मैं हुकूमत की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वो चीज है जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। बच्चों के लिए जो जरूरी वसाइल है वो तमाम हॉर्मेट ने मुहैया किए हुए हैं, वैक्सीन जितने बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं उनके लिए वैक्सीन मुहैया की हुई है, उनके लिए नेटवर्क भी मौजूद है, अमला भी मौजूद है। सिर्फ हमारी गफलत है, यूँ कहना चाहिए कि हमारे माँ जो बच्चों के वालदेन है, खानदान और वालदेन की गफलत की नहीं, सिर्फ वालदेन की नहीं, हम अपनी भी गफलत कह सकते हैं। हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम लोगों में वो शऊर पैदा करने में शायद अभी तक कामयाब नहीं हुए जो उनको एहसास हो कि उनको अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हिफाजती टीके लगाना इंतहाई जरूरी है। ये तो एक चीज हो गई हिफाजती टीके। अब ये है कि कुछ लोग हमारे मुल्क में हिफाजती टीके लगाते ही नहीं है, तो पोलियो के ड्रॉप्स कभी पिला दिए कभी नहीं पिलाए, तो हमारा ये तर्ज अमल होना चाहिए कि अपने बच्चे को हिफाजती टीके भी लगवाएं पूरे और इसके साथ साथ बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स हर कैंपेन में लाजमन पिलाएं। खालिद साहब, आखिरी एक मिनट होगा मेरे पास, मैं जल्दी से एक सवाल करना चाहूंगी कि जहां पे जो आपने कहा कि चंद हजार बच्चे जो इम्यूनाइज नहीं हो पाते पोलियो के कतरे उनको नहीं पिलाए जाते, खुदा ना खासा जैसे आपने खुद मुझे करेक्ट किया कि साल 2020 में 73 केसेस सामने आ गए हैं, इनके पेरेंट्स से या इनके खानदान से आपने बात की, वहां कोई पशेमानी, कोई यू नो इस बात पे अब अपने आप पे अब मलाल होना है कि बच्चों को क्यों नहीं कतरे पिलाए, अब उसकी पूरी जिंदगी का मामला है बच्चे की? देखिए, ये पोलियो जिसको बच्चे को अफेक्ट करता है वो जिंदगी भर के लिए उसको माजूर कर देता है, अपाहिज कर देता है। वो बच्चा अभी 1 साल का है, उसकी टांग ने काम करना शुरू कर दिया, वो बच्चा जिंदगी भर चल नहीं सकेगा। उनके माँ बाप की पेशेमानी, वो बाद में आंसू बहाना, ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी के दूसरे लोग जिनके बच्चे सेहतमंद हैं वो इस चीज से सबक नहीं सीखते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि बुरा वक्त आने से पहले अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको हिफाजती टीके भी लगवाएं, पोलियो के कतरे भी पिलाएं, माँ का दूध भी पिलाएं, उनकी सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।
شکریہ ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اہم پیغام ہمارے ارد گرد ہی ہیں. میں تو کہتی ہوں 73 ایک بڑا نمبر ہے. ایک یا دو کیس بھی اگر سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ درد وہ تکلیف, کیونکہ بچہ معصوم ہے, اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے, وہ اپنے لیے یہ ڈیسیزنس نہیں لے سکتا. یہ ذمہ داری اس کے پرائمری کیئر گیورز یعنی اس کے پیرنٹس کے, اس کے خاندان کی ہوتی ہے. اگر ہم یہ ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس انمول نعمت کا جواب ہم نے اللہ کو دینا ضرور ہے. سو پلیز میک شیور کہ اپنے بچوں کے لیے یہ بہترین انتظامات کا فائدہ اٹھائیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات کرتے ہیں 8 سالوں کے بعد بلدیہ سانحے کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف مل گیا. اس کی ایک تاریخی ججمنٹ لوگوں کے سامنے کل آئی جب اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جو اس میں ملوث لوگ تھے ان کی سزائیں سنائی. آپ کو بتاتے چلیں کہ 11 ستمبر 2012 کو ہونے والا یہ ہولناک واقعہ, جس کو پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک فیکٹری میں اچانک ایکسیڈنٹلی آگ لگ گئی ہے, لیکن جولائی میں پبلک ہونے والی انویسٹیگیشن رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اچانک یا حادثاتی طور پہ لگنے والی آگ نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی, ایک ٹیررسٹ ایکٹ تھا. اس کی مزید جب ڈیٹیلز میں گئے تو پتہ یہ چلا کہ فیکٹری کے مالکان کو پروفٹ شیئرنگ اور بھتے کی مد میں 20 کروڑ روپے دینے کا کہا گیا تھا, جو نہ دینے کی صورت میں اس فیکٹری کو آگ لگا دی گئی. پاکستان کی انڈسٹریل ہسٹری میں یہ بدترین حادثہ ہے, جس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 264 لوگ زندہ جلا دیے گئے, جس میں سے 17 باڈیز ایسی تھی جن کی آج تک شناخت نہ ہو پائی کیونکہ وہ اتنی بری طرح جل چکی تھی کہ وہ بالکل مسک ہو چکی تھی. تو یہ تاریخی فیصلہ جب سامنے آیا اس کے بعد ایک پولیٹیکل رد عمل بھی آتا ہے. اس میں جو لوگ ملوث تھے, دو لوگوں کے نام سامنے آئے, جی زبیر چریا اور عبد الرحمان, ان کو سخت ترین سزائیں دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو چاروں گیٹ کیپرز تھے, کیونکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس کے گیٹ کیپرز نے باہر سے دروازوں کو لاک کیا ہوا تھا, تو لوگ جب آگ لگی تو باہر نکل بھی نہ پائے, ان کو بھی اس سازش میں ملوث پایا گیا اور ان کو بھی سزائیں دی گئیں. اے ٹی سی نے اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل فیصلہ دیا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کا بدلہ 264, مجرموں کو اپنے کیے کی پوری سزا ملے گی. سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کے فیصلے کی سزا ایسی کہ جرم کرنے والے کی روح تک کانپ جائے. 264 معصوم لوگوں کو زندہ جلانے والے اب خود 264 بار پھانسی چڑھیں گے, اور پھانسی سے بڑھ کر 264 بار عمر قید کی سزا بھی بھگتیں گے. آٹھ سال بعد سانیہ بلدیہ کیس کا فیصلہ آ گیا. کیس کے مجرمان عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو 264 بار سزا موت سنا دی گئی. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بلدیہ فیکٹری کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا. 270 صفحات پر مشتمل عدالتی حکم نامے میں کہا گیا, رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 264 افراد کے قتل پر 264 مرتبہ سزا موت دی جائے. دونوں کو فیکٹری کے اندر ملازمین کو قتل کے جرم میں 264 بار عمر قید کی سزا بھی سنائی. 60 لوگوں کو زخمی کرنے کے جرم میں 10-10 سال قید اور 1-1 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا. مقتولین کے ورثا کو 2-2 لاکھ روپے دینے کا حکم دیا ہے, جبکہ بھتہ خوری کا الزام ثابت ہونے پر 10-10 سال قید اور 1-1 لاکھ روپے جرمانہ لگایا گیا. دونوں مجرمان پر مختلف مقدمات میں 14,50,000 روپے فیکس جرمانہ عائد کر دیا. کیس کے دیگر 4 مجرمان کو عبد الرحمان بھولا اور زبیر چریا کو سہولت فراہم کرنے پر عمر قید ہو گئی. 4 افراد پر ہر جان کے عوض 2-2 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. عدالت نے ملزمان رؤف صدیقی, حسن قادری, ڈاکٹر عبد الستار اور ادیب خانم کو عدم ثبوت کے بنا پر کیس سے بری کر دیا, جبکہ کیس کے مفرور ملزم حماد صدیقی اور علی حسن قادری کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور مفرور ملزمان کو زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار کرنے کا حکم دیا.
जी, ये दिलसोज वाकया जिसमें आप देख सकते हैं कि बर्बरियत की एक ऐसी मिसाल है जिससे आज भी हमारी रूह कांप जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू हैं एडवोकेट उस्मान फारूक, जो कि इस केस के जो लवाहिकीन हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। उनसे जानेंगे कि लवाहिकीन का और विक्टिम्स की फैमिलीज का क्या रद्द अमल है। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले उस्मान साहब, बताइएगा कि जब ये फैसला आया, क्योंकि इसमें काफी ताखीर थी, पूरे हफ्ते हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और 8 साल के बाद ये वर्डिक्ट आया है, मुतादिद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स रही, पब्लिक हुई, इस वक्त लवाहिकीन का क्या रद्दे अमल था इस फैसले पर? इस फैसले के आने के बाद दरअसल जो बातें सामने आई हैं, और लवाहिकीन चूंकि इससे ज्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो नाम पारा चलते रहे, और उन नामों के साथ जो ये भी था कि उनका जो एक्ट था, जिस तरीके से फैक्ट्री के अंदर आग लगाई गई थी, भत्ता तलब किया गया था, और जिस तरह एक फैक्ट्री मालकान ने भी इसके ऊपर पूरा बयान दिया था और ये बात बताई थी कि वो कौन लोग थे, लिहाजा सिर्फ दो लोगों को इन्वॉल्व किए जाने पर, क्योंकि जो अदालत जो भी फैसला करती है वो तो शवाहिद की बुनियाद पर करती है जो कि उसके सामने लाए जाते हैं, जो कि प्रोसिक्यूशन का काम है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वो कोर्ट के अंदर उसको पेश करे, विटनेसेस जो पेश किए जाते हैं, लिहाजा उसके बाद जो भी फैसला करता है कोर्ट उन्हीं बुनियादों पर, उन शवाहिद पर करता है। लेकिन जो इस वक्त लवाहिकीन है वो शायद इससे फैसले से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है, और उसकी वजह यह है कि एक तो ताखीर बहुत ज्यादा हुई, 8 साल इस जो है इस फैसले को आने में लगे, क्योंकि 400 गवाह चलना भी जो है वो एक प्रोसेस है जो कोर्ट के अंदर कभी जो है कोई मसला और किसी तरह से जो मतलब 8 साल। आप बिल्कुल सही इंडिकेट कर रहे हैं, 400 लोगों के बयानात इसके लिए लिए गए, 8 साल का अरसा लगा, लेकिन लवाहिकीन का और दूसरे लोगों के भी जहनों में यह सवाल है कि दूसरे बड़े नाम, बल्कि मजहर साहब आपकी तरफ लाना चाहूंगी, वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया, उन्होंने कहा कि जो मास्टरमाइंड्स हैं उन को सजा नहीं सुनाई गई। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस फैसले के आने के फौरी बाद रऊफ सिद्दीकी साहब, जो कि उस वक्त इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अहम बात थी उनके लिए, क्योंकि जैसे ही ये सानहा हुआ उन्होंने फौरी तौर पर अपने अपने ओहदे से वो मुस्ताफी हुए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैसल सब्जवारी साहब ने फौरन ट्वीट किया कि रऊफ सिद्दीकी साहब की इस केस में बरियत इस बात को प्रूव करती है कि MQM का इस पूरे सानहे से कोई ताल्लुक नहीं था। तमाम बयानात को आप कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया। देखिए, जाहिर है उस्मान साहब बेहतर बता सकते हैं, वो एडवोकेट हैं, वो इस मसले में लवाहिकीन के वकील थे, लेकिन मुझे इस केस में पहले दिन से कभी भी संजीदगी नजर नहीं आई, जो भी सरकारी इदारे हैं, पुलिस है, क्योंकि इसकी सही मानों में तहकीकात हुई नहीं। अब ये जो आखिर में GIT बनी, ये भी एक मुल्जिम रिजवान कुरैशी, जो किसी और मुकदमे में जिसकी GIT हुई, उसने अपने बयान में एक वन लाइनर दे दिया कि जी इसमें आग लगी नहीं, लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इससे पहले कोई तहकीकात उस हवाले से संजीदगी से हुई नहीं, और इसमें आपको 400 या 500 गवाहों की जरूरत नहीं होती इस तरह की केसेस में, आपको 40 गवाह काफी होते हैं। 400 गवाहों का मतलब कुछ पहले तो 700 गवाह थे, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप ताखीर का शिकार हो, क्योंकि 700 गवाह क्या गवाही देंगे इस केस में। तो आपको सीधी सीधी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उसके बाद जुडिशियल कमीशन बना, जुडिशियल कमीशन की भी जो फाइंडिंग्स हैं, ऐसे केस में जब भी आप कमीशन बनाते हैं तो वो अगेन सिर्फ चीजें ड्रैग होती हैं और कुछ नहीं होता। सही। तो इतने सालों बाद भी अगर आपने दो अपराध जो एग्जीक्यूटर बगैर नजर आते हैं उनको आपने सजाए मौत दे दी, और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी 8 साल में अमल में ही ना आ पाई, तो फिर आप इसको इंसाफ कैसे कहेंगे? तो मेरा ख्याल है इसमें अभी भी बड़े सवालात जो है रह गए हैं, और मुझे लगता नहीं, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक्य में भी जब संजीदगी का ये आलम हो तहकीकाती इदारों का, तो क्या इंसाफ की तवक्को। आपने भी जिन सवालात की तरफ निशानदेही की, एडवोकेट उस्मान साहब आपकी तरफ वापस लाना चाहूंगी। दूसरी तरफ आपने इशारा दिया कि लवाहिकीन की भी तहफ्फुजात हैं, वो पूरी तरह से मुतमईन नजर नहीं आते, क्योंकि जो एग्जीक्यूशनर से जो आलायकार बने इस वाकये के उनको सजा दी गई है, मास्टरमाइंड्स का कहीं जिक्र नहीं है। क्या इस वर्डिक्ट के बाद हम समझें उस्मान साहब कि ये केस क्लोज हो चुका है? देखिए, मजहर अब्बास साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जो मिनिस्टर साहब है वो भी कह रहे हैं कि ये जो है मतलब फैसला ठीक नहीं आया,
तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर सारे मामला डाल दिए जाते हैं केस के अंदर, जो है उनकी कमियां और कोताहियों की वजह से जो है लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, 259 लोग जो है झलस के मर गए कि जिनको जो है जला दिया गया, उसके बावजूद भी वो इंसाफ के लिए 8 साल बाद भी जो है वो देखते हैं कि वो जो मास्टरमाइंड जिस तरह बात की गई उस तरह खुलेआम मौजूद है, उनको बरी कर दिया जाता है। तो इसके अंदर वो जो मिनिस्टर है, जो पार्लियामेंट है, वो क्या कर रही है? क्या इन्वेस्टिगेशन का निजाम उसी तरह से चलाना चाहती है कि 8 साल बाद भी किसी को इंसाफ ना मिल सके? और जो दूसरी बात है वो बड़ी अहम ये है कि इस इंसाफ के तकाजों के अलावा कि जो इस पूरे मामले में हुआ कि जब जो ऐलानात किए जाते हैं उन ऐलानात पर भी अमल नहीं किया जाता, कहा जाता है कि इनको जो है ठीक है जो मरने वाले थे वो मर गए, कि प्लॉट दिए जाएंगे, नौकरियां दी जाएंगी, और जो है कुछ रकम का जो ऐलान किया जाता है वो रकम भी नहीं दी जाती, और जर्मन कंपनी से जो पैसे मिलते हैं उसको भी जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट की सूरत में उनको दिया जाता है 3,000, 5,000 और 7,000 की सूरत में। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? मरने वाला चला गया, एक घर के 5-5 अफराद चले गए, कि जो 5 अफराद जो है उस फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, किसी का जो है एक शख्स जो है वो था, उसको सिर्फ इतला दी गई। आपके पास अगले अब लीगल ऑप्शंस क्या मौजूद है? मेरा सवाल आपसे दोबारा ये होगा कि इस वर्डिक्ट के बाद क्या ये केस क्लोज हो चुका है या अभी भी लवाहिकीन के पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं इन तमाम इश्यूज को परसू करने के लिए? देखें, इस पे जाया तो जा सकता है और बहुत सारे जो ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो असल इन्वेस्टिगेशन होती है, जो प्रोसिक्यूशन जो काम कर चुकी होती है, वही असल में केस को मेंटेन करती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मज़र अब्बास साहब मौजूद थे। पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का और सबसे बर्बरियत अंगेज वाक्य की हम बात कर रहे थे, जिसका 8 साल के बाद बड़ा फैसला आया है, लेकिन इस फैसले ने मजीद सवालात को जन्म दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे के हवाले से, यानी एक ऐसा दिन जो साइन लैंग्वेज की अहमियत को उजागर करता है। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो 7 करोड़ के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुव्वत समाज से अल्लाह ताला ने उनको नहीं नवाजा, और यही वजह है कि उनके लिए बड़ा अहम है साइन लैंग्वेज को सीखना, ताकि वो अपनी बात आप तक पहुंचा सकें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी उनके लिए आसान हो चुके। आज सबसे पहले इस दिन की मुनासबत से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि ब्रिटिश साइन लैंग्वेज सिस्टम है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज सिस्टम है, हमने निम्बल फिंगर्स यानी जो लोग अपनी उंगलियों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते या उनकी मोटर स्किल्स नहीं है, उनके लिए किस किस्म की साइन लैंग्वेज है, इसके हवाले से भी एक प्रोग्राम किया था। लेकिन आज जरा बात करेंगे पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज के हवाले से भी, क्योंकि हर चीज जिसका इशारा किया जाता है, हाथ के इशारे से समझाया जाता है, उसका एक अलग तर्ज पाकिस्तान में मौजूद है। जी जनाब, वेलकम बैक। और जिस तरह के नंबर्स को आपने देखा है, नादाद शुमार के मुताबिक 80% कुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पे महदूद वसाइल हैं, वहां पाए जाते हैं, वहां पे पॉपुलेट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी महरीन इफ्तिखार, पाकिस्तान साइन लैंग्वेज मैनेजर एंड प्रिंसिपल एट द डेफ रीच स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आपको बताते चलें कि डेफ रीच की एक बहुत ही जबरदस्त काविश रही है, तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स पाकिस्तान भर में इनके स्कूल्स में इस वक्त जेरे तालीम है। अस्सलाम वालेकुम महरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए जो टीचर्स आपको चाहिए होती हैं, उनमें एक यानी ज्यादातर टीचर्स को साइन लैंग्वेज ऑलरेडी आती है या आप लोग उनको सिखाते हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऐसा है कि जनरली हम लोगों के एंड पे ये होता है कि साइन लैंग्वेज टीचर्स जो फॉर एग्जांपल हेयरिंग आते हैं, तो जाहिर बात है हमें उनको साइन लैंग्वेज तो सिखानी पड़ती है, और उनके लिए हमारे पास कोर्सेज होते हैं ताकि हम उनको एक प्रॉपर और वर्ड टू वर्ड प्रॉपर साइन लैंग्वेज सिखा सकें। क्योंकि जब हम एजुकेशन साइट पर आते हैं, तो एजुकेशन साइट पर आपको बच्चे को हर लफ्ज के बारे में क्लियरली बताना होता है कि इसका क्या मतलब है, तो ये हम हाथ की जबान से उनको बता सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपकी बात है कि जी अगर किसी को इशारों की जबान आती है तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, बेशक उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि जब हम एजुकेशन वाली साइट पर आते हैं तो उसमें जब वर्ड टू वर्ड साइनिंग आती है तो वो टोटली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द कम्युनिकेशन विद द डेफ कम्युनिटी। बिल्कुल।
इस वजह से हम लोग जो हैं बेसिकली जब भी कोई टीचर हायर करते हैं तो उसका इनिशियली जो है वो कोर्स जो है वो जरूरी होता है, उसको लेना बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, और टेन फिर वो एक प्रॉपर टीचर के तौर पर क्लास में एंटर हो सकते हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए जो बतौर उस्ताद अगर डेफ रीच को ज्वाइन करना चाहते हो, वैसे भी दिस इज अ ब्रिलियंट स्किल टू हैव। मुझे ये भी बताइएगा मेरीन के बच्चों में जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं जब वो साइन लैंग्वेज सीख जाते हैं और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनकी पर्सनालिटी में, उनकी शख्सियत में, उनके रवैयों में क्या तब्दीली आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक इशारों की जबान है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उनकी जिंदगी में। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो वालदेन हैं वो बच्चों को ये कहते हैं कि जी हम इसको बुलवाना चाहते हैं, हम इसको स्पीच करवाना चाहते हैं, जो कि ठीक है, हम इस चीज से मना नहीं करते हैं क्योंकि जाहिर बात है जितनी अच्छी कोशिश हो सकती है वो करें, लेकिन अगर हम उनको उनकी अपनी ही नेटिव लैंग्वेज मादरी जबान से दूर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो एक्चुअल में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो उनके लिए डिफिकल्ट होता है। सही। हम इस चीज को ज्यादा फोर्स करते हैं कि आप एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मेरा आज का टॉपिक हम बात जरा करना चाहेंगे ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, यानी कुछ लोगों की आपको शक्ल पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को आपको आइडियोलॉजी पसंद नहीं होती, सियासत में या फिर हमारे ऑफिस अरीनाज में, पॉलिटिकल करियर्स में या अदरवाइज किसी भी करियर में, तो आप ये अक्सर फेस करते हैं। हमने अक्सर ये बात की है कि कहा जाता है ना जी मेरी लेग पुलिंग हो रही है, मेरे मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन क्या वाकई आइडियोलॉजी, वैल्यूज, कदरों, अकदार के अलावा भी सिर्फ और सिर्फ हम मुखालफत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अगला बंदा नापसंद है और या इससे फायदा उठाने के लिए? एक मिस अपॉर्चुन टाइम होता है ना कि अभी जैसे मईशत में अगर हम देखें कि डाउनफॉल आया हुआ है या फिर कोविड-19 की स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि बेहतर अंदाज में भी हो सकती थी, क्या ये तमाम मौके ऐसे होते हैं जहां आपकी मुखालफत सर चढ़कर सामने आती है लेकिन वो कौमी मफाद में या नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होती, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका सियासी फायदा हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की तमाम ही पॉलिटिकल कुवतों पे ये इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं और अक्सर लोग कहते हैं कि यही तो जमहूरियत का, यही तो सियासत का हुस्न है। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि आप और मैं जो देखने वाले हैं, इस जमहूरियत का जो जमहूर हैं, हम जो वोट देते हैं, हम इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? हर दफ़ा ऐसा लगता है कि सियासत के लिए जो बयान दिए जाते हैं या कहा जाता है कि जी मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं वो नाकाबिल कबूल हैं, आइए इस निज़ाम को हटाएं, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि चाहे कंटेनर की स्पीचेस हों या APC हो, हमें प्लान बी नज़र नहीं आता। यानी जो मौजूदा दौरे हुकूमत होती है उस पर तनकीद तो होती है लेकिन ये पता नहीं चलता कि तनकीद करने वाले, मुखालफत करने वाले वो कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं या उनके जहन में क्या पॉलिसी या स्ट्रैटेजी है। इस पर ज़रा बात करते हैं। आज मेरे साथ जो पैनल होगा उससे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब, और कराची स्टूडियोज़ में आज मुझे ज्वाइन कर रही हैं बुशरा अंजुम साहिबा PMLN की नुमाइंदगी करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ मौजूदगी। तैमूर, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, लोग ये कहते हैं और आपने भी ये तनकीद सुनी होगी APC के होने के बाद जो बयानात दिए गए, लोगों ने कहा कि जी अगर निज़ाम से इतने मसाइल हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले सिंध से मुस्ताफी हो जाए और फिर तहरीक चलाए, आप इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी का जो हुस्न होता है ना वो तनकीद होता है। इसमें आप अगर तनकीद बराए इसलाह कर रहे हैं, अगर आपको किसी से कोई गिले शिकवे हैं और आपने वो जाहिर कर दिए तो आप कोई इंडियन एजेंट नहीं हो गए, आपका कोई पासपोर्ट कैंसिल नहीं होगा। आप बाकी जगहों पे देखें ओपनली जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट को लोग किस तरह से उन पे कमेंट करते हैं, तनकीद होती है। तो मेरे ख्याल से तनकीद जो है एक जुमरत का हुसन है जिसको हम इतना नेगेटिवली लेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, जो वादे इमरान खान ने किए उनमें से कोई वादा पूरा ना हुआ, जितनी बातें हुई उन पर यू टर्न लिया गया, आपको जो लाखों घरों और नौकरों की बातें की गई उसका उल्टा स्टांस लेके लोगों को से नौकरियां छीनी गई स्टील में दो या ये कहीं भी, तो जाहिर बात है एक आपने सिस्टम बना दिया है। आप नैब जैसे इदारे को इतना पोलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करें, इतना करके आखिर में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े कि ये इदारे फाल नहीं है, ये इदारे सियासी हरकत कर रहे हैं, तो
फिर मजबूरन एपीसी की कॉल होगी, मजबूरन लीडरान अपने दुख और गुस्से और गम का इजहार तो करेंगे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है तैमूर साहब कि क्या सबका दुख एक जैसा है। हमारे साथ शौकत बसरा साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, ऑपोजिशन का मानना है कि जो वादे थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी, शायद वो पूरी नहीं हो रही, तो एपीसी का मकसद ये था कि गम और गुस्से का इजहार किया जाए, तनकीद बराए इसलाह की जा रही थी। क्या आपको लगता है कि जो बयानात सामने आए हैं पॉलिटिकल लीडर्स के और आला क़यादत के, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, वो सिर्फ और सिर्फ गम और गुस्से का इजहार है, या वो तो बाकायदा तहरीक लाने का इंदिया भी दे रहे हैं? अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, गमो गुस्सों का इजहार था, लेकिन वो गमो गुस्सा था फ्रस्ट्रेशन का, इसलाहट का, घबराहट का, लूटमार का, अपने अंजाम को पहुंचने का। उनको पता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इमरान खान के साथ इन्होंने हर तरह से एनआरओ लेने की कोशिश कर ली, डील लेने की कोशिश कर ली, आप सबको याद है। तो अब ये बेचारों के पास बचा क्या है? आप अंदाजा करें ना, जितने लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, आल पार्टी तरफ कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें कौन लोग थे? 9-10 वो लोग हैं जिन्होंने साइकिल से सफर शुरू किया और कुछ खबरों की जदादों में पहुंच गए, और वो लोग हैं जो एनआरओ मांगते फिर रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले सारी कुछ चीजें कर रहे थे और आज इनको ये याद आ गया। जी शौकत साहब से थोड़ी सी लाइन डिस्टर्ब हो रही है। जी शौकत साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था जी, इन लोगों का आप रवैया देखें कि जब इन्होंने देखा कि अब हम हर तरफ से मायूसी हो गई, इंटरनेशनल गारंटर्स नाकाम हो गए, पैसे तो ये शहजादों को डाल के कुछ 10-10 साल का मुआहदा करके, आपको पता है कि खाना कब हम बैठ गई, झूठ बोलते थे, हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ, फिर पूरी कौम के सामने हर चीज आ गई। तो अब ये इन बेचारों की सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये देखें कि इनका एजेंडा क्या है। हाँ, ये सब लोग बैठे भाई, आप उन लोगों को कहते हैं जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान इस हालत को पहुंचा है। अगर 32,000 अरब अफ्रीकन साहब को 70 साल में आमरियत रही, आप लोग रहे, हम तो 1000 में नहीं आए। अगर आप 70 साल यहाँ पर 32,000 अरब के कर्जे दिए, आपने तमाम इदारे जो हैं उनको एक इदारा को मुनाफा बख्श नहीं छोड़ा, और अब ये आप हम इकट्ठे हो गए हैं प्रेशराइज करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी आपको अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन ग्रुप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन ग्रुप, अब आप देखेंगे किस तरह इनके आपस में हालात चलते हैं। अच्छा, ये जो आप इशारा दे रहे हैं शौकत साहब, इस पे बहुत ज्यादा बात की जा रही है। बुशा, आपकी तरफ लाना चाहूंगी कि नंबर 1 तो लोग कहते हैं कि आपसी तनाव भी मौजूद है, PMLN में विद इन द पार्टी इख्तलाफात हैं। दूसरी तरफ मैं पहले फोकस अगर करना चाहूं नवाज शरीफ साहब के बयान पे, उनकी तकरीर पे, क्योंकि काफी लंबी खामोशी के बाद उन्होंने खामोशी तोड़ी, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने नेशनल सेंटिमेंट के खिलाफ जाते हुए इदारों पर जिस तरह तनकीद की और इंडियन मीडिया में जिस तरह वावेला मच रहा है, वो एक साबिक वजीर आजम को सूट नहीं करता। आप इस पे क्या कहेंगी? सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं आपसे जो शौकत बसरा साहब ने भी बात की और जो पीपल्स पार्टी के हैं उन्होंने भी बात की, तो मैं ये कहती हूँ कि या तो आप मुझे कहें जी द इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग और हमने इतनी, हाँ ही इज राइट अबाउट द फ्रस्ट्रेशन बिट, बट द फ्रस्ट्रेशन इज जो अवाम की फ्रस्ट्रेशन है, और हम आपको ये अंदाजा भी है कि हम तो चाहते हैं कि ये चाहते थे कि ये 5 साल कंप्लीट करें, ताकि जो अवाम के साथ इन्होंने वादे किए हैं, जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनका पता लगे कि इनके पास कोई वर्किंग नहीं है, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, और इट्स ऑब्वियसली वेरी एविडेंट। ठीक है ना, आपके सामने जिस तरह की महंगाई है, अगर आज आलू भी महंगा है ना, तो ये जाएंगे कि जी इन्होंने इतने कर्जे लिए थे। अगर वो इतने ही कर्जे बुरे थे तो जिस हाल में हमने इकोनॉमी इनको दी थी उसको तो मेंटेन कर लेते या सस्टेन कर लेते। पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रही ना COVID-19 के बाद, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब है। ये तो दिस हैपेंड लाइक इस साल को अगर आप देखें ना, ठीक है, ये तो फाइनेंशियल क्रंच, द होल इट्स अ ग्लोबल पेंडेमिक दैट द वर्ल्ड हैज फेस्ड। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इनकी जो कारकर्दगियां थी, BRT का मंसूबा देख लें, अभी जो मोटरवे पे इंसिडेंट हुआ है, मतलब इनकी नेग्लिजेंस देख लें, देयर इज लैक ऑफ लीडरशिप एवरीवेयर। सर जी, आई वांट टू कम बैक टू द पार्ट ऑफ यू नो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, जहां उन्होंने अदलिया पे, आर्मी पे बहुत शदीद तनकीद की है और लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है, यानी इवन जो उनके हामी थे, यानी आप लोगों की जो पब्लिक सपोर्ट है, उनको भी ये बात गिरा गुजरी है कि हमारे जो मुहाफिज हैं, हमारी अदलिया, ये इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान की, एक साबिक वजीर आजम का इस तरह उस पर तनकीद करना लोगों को पसंद नहीं आया है। आप इसको कह देखें, मईशत पे तनकीद होती वो एक अलग पहलू था, इदारों पे तनकीद और खासतौर पर यह कहना कि जी ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है जो इनको लेके आए हैं, हम उनके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, ये तो आप इसको कैसे देख रही है इस बयान को? सिद्रा जी बताओ कि ढके छुपे अल्फाजों में बड़ी देर से बात हो रही थी कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पॉलिटिसाइज हुई नहीं है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट नैब के खिलाफ बात करती है, नैब द मिनट कोई भी अगर जब भी ऑपोजिशन इकट्ठी होती है आप देखें केसों के पलंदे खुल जाते हैं, फिर जी क्या होता है कि जी वोटिंग में से वोटिंग टाइम पे मेंबरान जो हैं वो हाजिरी नहीं देते दे पाते, मतलब ये कितनी देर हम लोग ऑस्ट्रिच अप्रोच करेंगे कि जी वी विल जस्ट पुट अ हेड। इसमें मुझे सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल रोल नजर आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पे और सिंध के दूसरे मामलात में हमने देखा कि विफाक और सिंध की हुकूमत में ऐसा लग रहा था कि दूरी और तनाव खत्म हो रहा है या एटलीस्ट कम हो रहा है, लेकिन अब एपीसी के बाद क्या सूरत हाल है इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हम बात कर रहे हैं जी मुखालफत बराए मुखालफत पे। माशाल्लाह तीनों पार्टीज जो कि बरसर इख्तदार रही हैं विफाकी हुकूमत के तौर पे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन एंड पीटीआई हमारे साथ पैनल में मौजूद है। मेरा पहला सवाल, एंड आई'd लाइक टू गो बियॉन्ड दी एपीसी, मैंने शुरू में वैसे आपसे कहा था कि सिंध हुकूमत का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ बड़ा देखना पड़ेगा कि इस वक्त उनके लिए बड़ा कलीदी किरदार है क्योंकि ये हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं। अब दोनों तरफ तनाव इतना बड़ा हुआ है विद पीटीआई एंड विद पीएमएलएन, तो और आपको क्या लगता है कि यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल महाज है ये? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस सिचुएशन में है जहां पर वफाक ने हर तरह से हर किस्म की चीजें की हैं, ना कि सिर्फ सिंध हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए बल्कि हमारे फंड्स भी रुके हुए हैं। हम बात करते हैं कराची पैकेज की, हम बात करते हैं इन बरसातों में जो नुकसान हुआ है उसमें हमारी मदद करने की, पर वहां जो ना सिद्धा एक बिल्कुल ही जो आपके सामने है जो उन लोगों का ओपिनियन है जो उनके ख्यालात हैं तो हमने तो कोई उम्मीद रखी नहीं। आप सोचे मुल्क का वजीर आजम कराची आए, 1100 बिलियन के पैकेज की कराची की मद में हेल्प करने की बात करे और फिर खुद ही कहे कि 800 बिलियन में से 800 बिलियन या 1100 बिलियन में से वो तो सिंध का ही पैसा निकल रहा है। पहले मुकरते रहे 3 दिन 4 दिन 5 दिन कह के हाँ जी बिल्कुल ये तो कराची का ही शहर सिंध का हुकूमत का शहर था जो हमने किया है, तो हमें भी किसी किस्म की तो कोई बात नहीं है। आज बैठ के नवाज शरीफ ने कोई बात की अगर तनकीद की हमारे इदारों पर तो उसको तो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें पर जरा आप रिकॉर्ड पर लाए जो स्टेटमेंट्स एस्टैब्लिशमेंट के और हमारी पाक आर्मी के खिलाफ इमरान खान साहब देते थे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे, सीएनएन पे, बीबीसी पे, तो व्हाई डू वी फॉरगेट दैट जो बातें उसने की वो तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया उस लेवल पे जिस तरह से वो किरदार कुशी करते थे हमारे मोहतरम इदारों की। तो हर चीज में इक्विलिब्रियम होता है, हमें उम्मीद आज रखने का तो कोई इम्कान ही नहीं रहता ना जब इस तरह से हमें वादे करके और तोड़े जाए, यूटर्न्स की बात हम छोड़ देते हैं। लेकिन तैमूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी एब्सोल्यूट पोजीशंस नहीं लेती है, हमेशा कोएलेशन की, मुफाहमत की, रिकंसिलिएशन की गुंजाइश रखती है। शौकत साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो बरसर इख्तदार रह चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत है, क्या आपको लगता है कि देखिए जी ये आर्ग्यूमेंट्स, करप्शन चार्जेस, एहतसाब, इसमें कौम आपके साथ खड़ी है, कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इस तरह की बददियांती को मुल्क से खत्म होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इदारों को मुस्तहकम कैसे करेंगे? और गुज़िश्ता 10 बरसों में जब पीएमएलएन ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक एक टर्म कंप्लीट किया है, क्या कोई अच्छा काम नहीं हुआ? क्या कोई ऐसा काम नहीं है जिसको सक्सेशन आगे लेके जाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए और कहा जाए और सराहा जाए कि हाँ जी ये एक अच्छा इदारा कायम किया गया था, ये अच्छा इनिशिएटिव था, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। अच्छा मैं ना आपने सवाल किया, मैं आपके जवाब जी मैं आपको ये करता हूँ कि हमने इदारों को मजबूत करना था, अवाम को खुशहाली की तरफ लेकर जाना था जी। हमने यहाँ पर लोगों जो हुकूमतों का मकसद लोगों के जानो माल का तहफ्फुज़ है उनको बेसिक फैसिलिटीज फ्राहम करना है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में
ये कौन सी गिदड़ सिंगी है कि यहाँ पर जो हुक्मरान टोला था, हुक्मरान तबका था, वो तो अरबपति और खरबपति बन गया। मैंने जो अभी आपको साइकिल की मिसाल दी है जी। अब अभी आप देख लें ना, अभी जो नून लीग के जो लोग एपीसी में बैठे हुए थे, 11 में से 9 लोग वो थे जिनके पास अपने पास रहने का घर नहीं था। आज अगर वो नैब ने उनको बुलाया है और उनके पास अरबों खरबों के खाते हैं, और वो कौम जिसकी वजह से ये वजीर बने, वजीर आजम बने, वजीर आला बने, वो कौम आज अगर इन्हीं के साथ वो भी आधी तरक्की कर लेती, बाकी आधा तरक्की कर लेता, वो एहतसाब के कवानीन बनते, इदारे बेहतर। तो मैं कहता कि मैंने अच्छा काम किया है। बदकिस्मती से मैं यहां कहूंगा कि शहीद उल्फकारी भुट्टो, शहीद बीबी बड़े पाए के लीडर, बदकिस्मती से उनके जाने के बाद मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। बाकी मुस्लिम लीग नून, ये तो वो जमात है जो जमात बाद में बनी, ये वजीर आजम पहले बने। और आप अंदाजा करें कि आप जब से इन्होंने, जब आपको बातें सारी खुलकर सामने आ गई, इस तरह ये उनके साथ खुफिया, यानी कि दिन के उजाले में अफवाजें पाकिस्तान रात के अंधेरों में इनको भूत चाटते हैं। अब इनको मैं सलूक पेश ना करूं तो मैं क्या करूं इनको? और दूसरी बात, अब मुझे ये बताइए सिदरा कि इनने जो मियां नवाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की जी, तीन दफा तब्दील कहते हैं, ये तमाम इलेक्शन रिग्ड थे। इनसे ये पूछ लें, सादा सा सवाल, मासूम सा, भाई फिर आप वजीर आजम कैसे बन गए, आपका भाई वजीर आला कैसा बन गया, और फिर आप इंडिया की तमाम अखबारों का उठाकर देख लें, चैनल उठाकर। अच्छा, वैसे एक बात है, या इंडिया इंडिया में जश्न मनाया जा रहा था तो या ये अपोजिशन जश्न मना रही थी? तमाम हेडलाइंस थी, अपोजिशन ने अफवाजे पाकिस्तान पर हमला कर दिया। आप मुझे बताइए, इसका मतलब है कि आप इख्तदार में हो, आप वजीर आजम हो, आप लूट मार कर रहे हो, आप करप्शन कर रहे हो, तो तमाम अमन और शांति शांति है, राबी हर तरफ चैन ही चैन लिखता है। अगर आप अपनी करप्शन की वजह से, अपनी लूट मार की वजह से आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो आज आपको अफवाज भी बुरी लगने लग गई। अदलिया आपके हक में फैसले दे तो आपको सच की पता है, ना दें तो आप उन पर सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें। पांच बोझ के मारे हुए जज हो, वोट को इज्जत दो, ये वोट को इज्जत दी जा रही है कि आप राज। शौकत साहब, आपकी बात को आगे ले जाते हुए, कल हमारे साथ प्रोग्राम में इकराम सहगल साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा मां सवाय अगर पिछले सारी दिहाइयों में देखा जाए, तीन दफा जब वजीर आजम का ओहदा नवाज शरीफ साहब ने उठाया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा बाकी तमाम की तैनाती में वो खुद इन्वॉल्व थे, ये डिसीजन उनका अपना था, तो फिर आज वो किस तरह से आर्मी पे इतना बड़ा सवालिया निशान उठा सकते हैं? बुशरा, इस पे क्या कहेंगी आप? सिदरा, बात ये, अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज को लेके जाएं तो जाहिरी बात है वो बड़ा एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो तो हमेशा से इसी आड़ में बैठा होता है कि यहां से कुछ भी ऐसी चीज हो, बिकॉज देखे ना, आप उसको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं उठा सकते। इंडिया के इसको जो इतनी हिट पड़ी है अभी कुछ दो तीन इंस्टेंसेस के अंदर, कि वो तो वैसे ही बैठा होता है, कोई भी ऐसी बात निकले तो हम उस चीज को हर दफा। ये बात आपकी तरफ से क्यों निकलती है? मुंबई अटैक्स का मामला आया तब नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, इंडिया में हमारी खिल्ली उड़ाई गई उनकी, तो फिर सिदरा दिस इज इफ वी गेट बेट, तो फिर स्टेटमेंट्स तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो भी बड़ी बड़ी दे देते हैं हर जगह, और फिर स्टेटमेंट्स के बाद यू टर्न एंड गॉड नोज व्हाट इंटरनेशनल उस पे जाके वो उसामा बिन लादेन को शहीद कर देते हैं। सियासतदान है और तीन दफा वजीर आजम रह चुके हैं। वजीर आजम इज अ वजीर आजम, ठीक है ना? अगर आप when you are in that position then you have to choose your words very wisely. और अगर आप उसामा बिन लादेन को शहीद कह देते हैं और मतलब इस तरह की बातें तो आप, अच्छा लेकिन आप बताए ना, जिस तरह मैंने ये सवाल इन लोगों से किया, और पूरी दुनिया में कोई प्रेसिडेंट, चले एक ऐसा इशू उठा लेते हैं जिसका कोई प्रेसिडेंस ही नहीं था। हम कहते हैं सिंध हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त काम किया था COVID-19 को, सबसे पहले सबसे विजिलेंट रिएक्शन यहां से आया। आप क्या समझती हैं कि पूरे पाकिस्तान की तरफ अगर देखती हैं, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, मुख्तलिफ और चीजें की गई, इसमें सिंध हुकूमत का भी हिस्सा है, वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा है, डू यू थिंक द प्रेजेंट सेटअप हैज रियली हैंडल्ड द COVID-19 सिचुएशन वेल? सिर्फ पहली बात मैं बताऊं कि मैं सिंध हुकूमत का जो एक स्ट्रांग क्लियर स्टांस था, आई सल्यूट टू दैट। इतनी कंफ्यूजन थी पंजाब में, इतनी कंफ्यूजन थी, अब लग रहा है अब नहीं लग रहा, एक वजीर ये बयान देता था प्राइम मिनिस्टर साहब का, और एक तो वैसे ग्लोबल पेंडेमिक था, पीपल वर स्केयर्ड कंफ्यूज्ड,
एक वो तो अल्लाह की तरफ से कोई, मैं कहती हूँ ना, पाकिस्तान के साथ बड़ा करम हुआ कि थिंग हमें, हम लोग ने बड़ी जल्दी रिकवरी की तरफ चले गए. देखो सिंध ने जो भी था, मुराद अली शाह ने बहुत एक स्ट्रांग स्टांस लिया था, समझ लग रहा था लॉकडाउन है, ये होगा ठक ठक ठक. इन पंजाब देयर वाज सो मच कंफ्यूजन, और उसकी वजह से हमें, हम यही बात कर रहे थे कि ये तो अल्लाह ने एक बड़ा मिरेकल कर दिया कि वी मैनेज टू रैप इट अप सो क्विकली. लेकिन यानी आप सिंध हुकूमत को क्रेडिट, बहुत को क्रेडिट दे रही है, वफाकी हुकूमत को क्रेडिट नहीं दे रही. शौकत साहब, योर रिएक्शन टू दैट. और लाइक वाइज आपसे भी सवाल ये होगा, सिंध हुकूमत की अगर कारकर्दगी अच्छी थी तो वजीर आजम ने कहीं ना सराहा बल्कि मिलना भी गवारा नहीं करते, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने कमेंट किया है ना, ये इनको सराह रही थी. इन दोनों से पूछने के दो साल पहले तक एक दूसरे को सियासी दहशतगर, अली बाबा 40 चोर, क्या कहा जाता था कि ये जो मोदी का जो यार है गद्दार, ऐसी बातें सुनते थे ना. और सबसे देखिए, एक होते हैं सियासी इख्तलाफ, एक जाति गुफ्तगु की इन लोगों ने ये दोनों के मुतल्लिक की. दो साल बाद देखा ये क्या हो गया कि फौरी तौर पर ये पाक पवित्र और दूध के धुले हुए दोनों, और ये कहा गया, मुझे अभी तक याद है कि मैं बड़ा मशहूर फिक्र है, इनको पता डालना है कोटा में, लड़काना में, पता नहीं पिशावर में कुछ सीखना है. तो मुझे बताइए कि क्या वो गिमिक थे, यानी कि एक दूसरे को ये कहा गया कि ये लूट के पैसा बाहर ले गए हैं, हमने वापस लेकर आना है. बात सिर्फ इतनी है कि हम कहते हैं कि जो भी अच्छा काम करें हम उसको अप्रिशिएट करेंगे. आप मुझे बता दीजिए, सिंध में 12 साल से हुकूमत है, कराची में क्या हुआ है? आप तो कराची की रहने वाली है ना, हम तो नहीं, मैं तो कराची अभी बल्कि मैं कराची आ रहा हूँ, तो मैं कराची के अंदर जिस तरह लोगों के साथ सियासी हुई है, क्या इसको भी अजी अभी चले जाए लाड़काना चले चलते हैं कि नहीं? लाड़काना में शहीद भुट्टो और शहीद बीबी सोनी हुई है, इनके वजह से ये वजीर आजम भी बनते रहे, वजीर आला भी बने, कहाँ देखिए क्या हालात है. तो अभी भी आप देखें कि ये तमाम हुकूमतें रही 70 साल, अगर अमराना द्वार रहे या ये रहे, किसी को तोफीक नहीं कराची के लिए पैकेज दे. आज अगर एक हिस्टोरिकल पैकेज दिया गया है तो क्या हमने इनको अनफोल्ड नहीं किया? हमने इनको वजीर आला मुराद अली शाह को उस टीम का तो फिर शौकत साहब क्या वजह है? ये नहीं, वही तो मैंने शुरू में कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज आया है, ऐसा लग रहा था कि तनाव कम हो रहा है. बल्कि ये सवाल तैमूर साहब से कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या वजह बनी कि आप तो एपीसी का हिस्सा बन गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? तैमूर साहब, योर रिस्पॉन्स टू दैट. जी, मैं ये आपसे पूछ रही थी, मैंने कहा कि हमें तो वाकई लगा था कि कराची पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तनाव वफाकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत में और सिंध हुकूमत में कम हो रहा है, लेकिन आप तो एपीसी का हिस्सा बन गए. देखिए जी, मैं जरा क्लियर करता जाऊँ, हम एपीसी का हिस्सा ही बने, हम एपीसी लाए, हमने एपीसी होस्ट किया, एंड चेयरमैन बिलावल भुट्टो वॉज द रनिंग पावर बिहाइंड द थॉट एंड द आइडिया अलॉन्ग विद ऑल द अदर्स विद अस. हम, आप हमसे कोई झूठा वादा कर देंगे कराची में 1100 बिलियन देने का, दैट डज नॉट मीन कि हम अपने स्टांस से हट जाएंगे या हम अपने असली माकब से हट जाएंगे. जिस हुकूमत ने 2 साल के अंदर 23 ट्रिलियन को खसारे को आप जो है 43 ट्रिलियन ले जाए, तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के लोगों का और इस गरीब आवाम का ख्याल है जो कुचले जा रहे हैं महंगाई के दौर के अंदर. तो हम मुफाहमत किसी भी तरह से इन असूलों के ऊपर नहीं कर सकते, ना हम करेंगे. हम ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये उसूली स्टांस है और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. भूषा, आपके पास आना चाहूंगी. एक सोशल मीडिया पे हम सवाल चलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है द काइंड ऑफ इश्यूज एंड द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किए हैं. पूछना ये था कि ये तकरीर उनकी किसने लिखी थी? ये तकरीर मेरे ख्याल से हर उसके अंदर जो उसका कंटेंट था, सिद्रा, मैंने आपसे पिछले भी सवाल का जवाब में ये कहा था कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लें. देखें, जो बातें उसमें मेंशन हुई थी, जितनी भी अगर आप पीछे जाके देखें, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन मार्क इन लोगों ने डाला. नैब के अगर देखें, जो भी फैसले होते थे ये लोग ओन अप करते थे कि ये हम करवा रहे हैं, हम करें. सारे इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिसाइज इन लोगों ने किया. इन्होंने इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान डाला, जिसकी वजह से ये बनता दिस वॉल्केनो हैड टू इरप्ट. और जितनी उस तकरीर के अंदर जो भी थी, दैट वाज एक्चुअली जो ट्रू, जो कहते हैं ना, जज्बात थे अवाम के, जो एक कंफ्यूजन है. और जो ट्विटर ट्रेंड्स अगर आप देखें रिगार्डिंग ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस,
तो वो सबको मिला के ही वो कंटेंट था। जी एक और आतिश विशा रेडी टू इरप्ट जिस पे बार बार बात की जाती है इस बिटवीन द मेंबर्स इन PMLN, लोग ये भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के बीच में तनाव है, इस पे जरा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जी मुखालफत बराए मुखालफत। अच्छा, मुखालफत करने का या अपना आर्ग्यूमेंट पेश करने का भी एक ढंग होता है। ये इश्यूज ऐसे नहीं है कि मैं कहूं कि जी अगले 10 मिनट में हम इसके किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे और तमाम लोग इससे कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन मेरा उससे भी बड़ा और कलीदी सवाल ये है कि हमारा जो तमाम पोलिटिकल डिस्कोर्स है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, इट हैज मूव्ड इनटू द डोमेन ऑफ सोशल मीडिया, और वहां पे तो ऐसा लगता है कि अनफिल्टर्ड, बगैर किसी लिहाज के, मुरव्वत के बात की जा रही है। पहले अगर आपके हामी या जिसको कहें आप जी ज्याला कह लेते थे, आप उनके सपोर्टर्स कह लेते थे, जो आप उनको नाम देना चाहें, और हर पार्टी के अपने यंग ब्लड होता है हु फील्स वेरी पैशनेटली अबाउट थिंग्स, उनका बयान देना एक अलग बात है। लेकिन पोजिशन होल्डर्स जिनको आपने तैनात किया हो, आइदर एज एन एडवाइजर, एज अ कैबिनेट मेंबर, या आपका स्पोक्स पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव, उनका लूज बॉल कराना या अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं करना, ये किस हद तक पार्टीज अलाउ कर रही हैं फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। शौकत साहब, ये बात आपसे शुरू करना चाहेंगे क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पीटीआई ने ये ट्रेंड शुरू किया कि सोशल मीडिया पे कोई भी इख्तलाफ, कोई भी सिटिंग मिनिस्टर की, किसी भी पॉलिटिशियन की अगर बात पे इख्तलाफ करना हो तो क्रूर तरीन, सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में किसी को भी विरोध नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी गैर इस्लामी तौर पर इस्तेमाल करता है तो उसको किसी तौर पर भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये टोटली ये दुरुस्त बात है कि जो हमारे यंग लॉट है, नौजवान होते हैं, उनको अब मैं बिल्डिंग फैसला होता हूँ जहाँ पी एम खुद कहते हैं अपने मिनिस्टर को भी कि किसी को भी विरोध बैठक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये कहें कि सिर्फ ये एक तरीके साथ में है तो भी अब मैं तो फिर कह रहा हूँ ये तो सब फैमिलस हैं चीजों की। सर रेप्रिमांड नहीं करते ना आप लोग, कई लोग हैं, चौहान साहब हुए, गिल साहब हुए, कई दफा ऐसी बातें कह जाते हैं जो बड़ी सख्त होती हैं। हमने कोई पार्टी एक्शन होता हुआ देखा नहीं कभी उनको स्नप करने के लिए। नहीं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं तो आपको याद होगा कि चौहान साहब को तो बकायदा एक दफा अप्लीकेशन जो कब हुआ था जी को वजारत से अलग किया गया था। वो कर रहे हैं तो हम करें, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप हकाइक है ना, जब आपके पास आर्गुमेंट्स खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाती है, तो आप गाइड चेंज करें। सही। अच्छा, यही बात आपकी, ये जो सोशल मीडिया डिस्कोर्स है जिसमें मुखालफत बराए मुखालफत और क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट इस हद तक गिर गया है कि देखें हम सब जानते हैं कि यंग लॉट सोशल मीडिया को ज्यादा फॉलो करती है। तैमूर क्या कहेंगे, उसमें जिस किस्म के बयानबाजी हो रही होती है, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है, क्या उसका कोई करेक्टिव मेजर हम कर सकते हैं? क्या यंग पॉलिटिशियंस, पीपल लाइक योरसेल्फ, अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी, वो कोई रोल मॉडल बन के सामने आ सकते हैं सपोर्टर्स के लिए? ये तो हर एक पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी में कोई इस तरह की बात करता है तो हमें उसी वक्त एक शकअप को लाती है ऊपर से कि अपने एक दायरे के अंदर हो, पर फिर हमसे भी रहा नहीं जाता क्योंकि एक मुल्क का वजीर आजम, एक पार्लियामेंट्री लीडर, एक यंग डायनामिक पार्लियामेंट्री लीडर बिलावल भुट्टो की टोन का, क्योंकि वो लंदन में रहे हैं, लंदन में पढ़े हैं, उनकी वहां से एजुकेशन है, तो उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाएं। आपने कभी देखा है पाकिस्तान में कोई वजीर आजम आया हो जो खुद मिमिक करे किसी यंग लीडर? तो ये चीजें हैं ना, जब लीडर इस तरह करते हैं तो नीचे इनके सारी क्यादत इस तरह करती है, सोशल मीडिया पे वो 10 गुना ज्यादा आगे जाते हैं। आपने कभी देखा है अपना चेयरमैन बिलावल को इस किस्म का कोई टॉन्ट या बिलो द बेल्ट हिट करते हुए? उनके पार्टी मेंबर्स भी करते, तुम लोग, दिस इज बेसिकली हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय द हाई अप्स।
और आप देखें ऑलरेडी तैमूर करेक्टिव मेजर एक्टिव मेजर आ गया है। पहले लोग कितने चाव से जो पॉलिटिकल शोज होते थे, इस तरह की गुफ्तगू होती थी, उसमें सुनते थे कि कोई इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन यही वजह से कि क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अल्फाज का इंतखाब इस हद तक तनजुली का शिकार है कि लोगों ने स्विच ऑफ कर दिया। लोग 8 बजे 10 बजे के प्रोग्राम नहीं देख रहे। बुशरा, एक और जो इसमें कंसिस्टेंट थीम आ रही है, खवातीन की तहजीक करना, यानी अक्रॉस पार्टीज, किसी भी पोलिटिकल पार्टी में आप देखें खवातीन को तनकीद का निशाना बनाना, उनके पहनावे पे, उनके बोलने के अंदाज पे, दिस ऑल्सो हैज टू बी कर्ब। और इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता उनके बारे में, गलत सलत मीम्स, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन, अनफॉर्चुनेटली ये आम होती जा रही है। इस पे क्या कहेंगी? जनरली द एनवायरमेंट इन पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी क्रूड, क्योंकि हमारी एक मिसकंसेप्शन है कि हम जितना ज्यादा क्रूड होंगे हमारी पार्टी हमें उसे उतना ही एक्नॉलेज करेगी, हम उतना ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे। मेरा ख्याल है कि मैं तैमूर के साथ यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री करना चाहती हूँ कि हायर अप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स यू एज एन इंडिविजुअल। आप इतना ज्यादा जज्बात की लय में मत बह जाएं कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी ही भूल जाएं। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली शख्सियत परस्ती तो है ना हमारे, सिर्फ सियासत में नहीं, आपको हर जगह नजर आएगी। सिद्रा, दिस इज लोग हमारे पसंद है तो बस पसंद है। हमारे लोग जो है ना यहीं पे गलती है। हाँ। देखिए लोग हमारे जो है ना, हमारी जो यंगर जनरेशन है जिनके लिए हमें रोल मॉडल बनना चाहिए ताकि वो भी कल को सियासत का हिस्सा बने, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने, हमें उनके लिए एग्जाम्पल सेट करना है। बुशरा, वेरी वेल अवेयर, यू नो व्हाट यू रिमाइंड मी ऑफ, हम डिबेटिंग में एक बड़ी कॉमन इस्तलाह इस्तेमाल करते थे, डोंट रेज योर वॉइस, रेज योर आर्ग्यूमेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द जो हमें इख्तलाफात, देखिए इख्तलाफात हमेशा होंगे, बट दैट क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, पाकिस्तान की अवाम को आप जी शऊर समझें, आप उनको समझदार समझें, आप उनको अपने आर्ग्यूमेंट से कायल करें, ना सिर्फ ये कि आप अगले जो भी आपकी ऑपोजिशन है आप उसकी तहजीक करके अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा, तैमूर और शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सबकी आमद का। सियासी इशूज तो पस मंजर थे, लेकिन हमारा अपना अखलाक और हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आई थिंक वी नीड फ्रेश ब्लड इन एवरी अदर फील्ड इन पाकिस्तान, और उसको हमें खुद ही उसको इस कदर की निगाह से उसकी वैल्यू को बढ़ाना है कि अच्छे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।